रूस पर विध्वंसक हमले की तैयारी में यूक्रेन नजर आ रहा है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ किरिला वुडानोव का यह बड़ा खुलासा है। मार्च में रूस पर भीषण हमला कर सकता है यूक्रेन, यह दावा किया गया है उनकी तरफ से। क्रीमिया से लेकर डोनबास तक रूस के कब्जे से इसको हम मुक्त कराएंगे, हमारे टैक्स पेयर का पैसा बेकार नहीं जाएगा, किरिलो वुडानोव का दावा। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब इसी मंत्र के साथ लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और यही वजह है कि यूक्रेन अब रूस पर बड़े हमले की तैयारी में है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ किरिलो वुडानोव के मुताबिक यूक्रेन मार्च के महीने में रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। मार्च में रूस को तबाह करने की रणनीति बन चुकी है। क्रीमिया और डोनबास को रूसी कब्जे से मुक्त कराने का प्लान भी तैयार हो चुका है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ने तो अमेरिका को भरोसा तक दे दिया है कि रूस में हमला होकर रहेगा और अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। किरिलो वुडानोव ने रूसी एयरबेस पर हमले की बात भी कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस पर से पर्दा उठाना सही नहीं है कि हमला किसने किया था। युद्ध खत्म होने के बाद यह खुलासा किया जाएगा कि रूसी एयरबेस को किसने निशाना बनाया। दरअसल यूक्रेन ने युद्ध में अपनी रणनीति को बदल दिया है। दिसंबर से ही यूक्रेन ज्यादा आक्रामक रवैया अपना रहा है। पिछले महीने रूसी एयरबेस को 2 बार निशाना बनाया गया, वहीं क्रीमिया पर भी अटैक किया गया। रूस की समंदर में और विध्वंसक तैयारी सामने आई है। पनडुब्बी में तैनात करेगा ज़िरकॉन मिसाइल, पर्म सब को ज़िरकॉन से लैस करेगा। 4 अक्टूबर को ज़िरकॉन का कर चुका है टेस्ट, सेवरल दिविनिस्क सबमरीन से कर चुका है ये टेस्ट। रूस अब यूक्रेन ही नहीं बल्कि नाटो और अमेरिका से भी युद्ध की तैयारी में जुट गया है। पुतिन को आशंका है कि युद्ध में नाटो की एंट्री हो सकती है और यही वजह है कि वो लगातार अपनी सेना के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती कर रहे हैं। रूस अपने पर्म सबमरीन में ज़िरकॉन की तैनाती करेगा। 2026 तक पर्म सबमरीन को हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन के साथ सेना में शामिल किया जाएगा। इससे पहले साल 2024-2025 में पर्म सबमरीन से ही ज़िरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। ज़िरकॉन मिसाइल का सबमरीन से लॉन्च पहले भी हो चुका है। सेवरोडोनेत्स्क सबमरीन से ज़िरकॉन का परीक्षण सफल रहा था। 4 अक्टूबर को सबमरीन से ज़िरकॉन का टेस्ट किया गया था। ये परीक्षण रूस के समंदर में समर का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के सेवमैश शिपयार्ड में 6 नए सबमरीन तैयार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक सी और अजोव सागर में भी रूसी वॉरशिप्स की संख्या बढ़ाई गई है। ब्लैक सी में 3 नए वॉरशिप्स तैनात किए गए हैं। वहीं भूमध्य सागर में भी रूसी वॉरशिप लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइलों से तैनात है। और रूस बॉर्डर पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, यूक्रेन तैनात करेगा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। रूस के हमले के जवाब में यूक्रेनी रणनीति सामने आई। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यूक्रेन से जारी जंग में रूस की मुसीबत एक बार फिर बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल पावर मिलने वाली है। अमेरिका से मिले पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन रूस बॉर्डर पर तैनात करने जा रहा है। जंग में गेम चेंजर माना जा रहा यूक्रेन का ये मास्टर स्ट्रोक रूस की घातक मिसाइलों के लिए काल साबित हो सकता है। जंग में रूस के हमले का माकूल जवाब देने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल तैनात करने का ऐलान किया। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती से जहां एक ओर यूक्रेन की सैनिक क्षमता बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ रूसी खेमे को ज्यादा नुकसान हो सकता है। हाल ही में ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान किया था। पैट्रियट जमीन से हवा में मार करने वाला सबसे आधुनिक मिसाइल सिस्टम है, लेकिन माना जा रहा है कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती से रूस यूक्रेन जंग में हथियारों के जोर आजमाइश का नया दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पैट्रियट के जवाब में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पहले से ही जंगी मैदान में तैनात है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।